पहाड़ों की नगरी नैनीताल में पर्यटन सीजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। गर्मियों के मौसम में देश विदेश से सैलानी पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने के लिए आते हैं, जहां पर सैलानियों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें यहां पार्किंग के चलते यातायात व्यवस्था पर्यटकों को परेशानी में डाल देती है। इन्हीं तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने यातायात से लेकर पर्यटकों के लिए पार्किंग व्यवस्था ठीक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से कई स्थान पार्किंग के लिए चिन्हित किए गए हैं। इसके चलते ही कई पार्किंग निर्माण चल रहे हैं, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पर्यटकों को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। वहीं ट्रैफिक मैनेजमेंट दुरुस्त करने के लिए पुलिस विभाग भी पर्यटन सीजन में विशेष व्यवस्था कर रहा है, जिसके तहत ट्रैफिक पुलिस ने नैनीताल के पर्यटन कारोबारियों के साथ बैठक की, जिसमें वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था, जाम की समस्या, निजी वाहनों के टैक्सी प्रयोग पर रोक लगाने और सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाने पर चर्चा की गई। जो पार्किंग हमारी विभिन्न टेंडर इत्यादि प्रक्रियाएं पूर्ण न होने के कारण सुचारू नहीं संचालित नहीं हो पाई हैं, उन पार्किंग्स को विभागीय माध्यम से और अन्य माध्यमों से संचालित करवाया जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज फोर्स की लगती है, परिवहन विभाग की प्रवर्तन इत्यादि की कार्रवाइयाँ होती हैं, उन पर भी काम किया जाएगा।